राम जन्मभूमि न्याय समिति के वरिष्ठ सदस्य और फैजाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर राम विलास वेदांती ने एसपी नेता आजम खान पर बड़ा हमला किया है। इटावा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आजम खान को आतंकियों का सरगना बताया है और आजम की जांच कराने की मांग कर डाली है। वेदांती यहीं नहीं रुके, उन्होंने इटावा के लोगों को बताया कि बीजेपी को राष्ट्रव्यापी बहुमत मिलने पर संसद में कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 6 दिसंबर 2018 से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। राम की उत्तर प्रदेश का पूर्व मंत्री आजम खान, जो मुलायम सिंह यादव का मंत्री था, वो भी ISI का एजेंट है। आजम खान की जांच हो जाए, CBI जांच हो जाए, तो पता चल जाएगा आजम खान कितना अड्डा आतंकवादियों का भारत में चला रहा है। और विशेषकर उत्तर प्रदेश के रामपुर में, उत्तर प्रदेश के संभल में, मुरादाबाद में, मेरठ में, अलीगढ़ में, शाहजहांपुर में, ये आजम खान आतंकवादियों का अड्डा चला रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा